फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पर्ल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स मैं इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं पैसेंजर लिफ्ट का जो COP होता है, बटन्स हुए हैं लगे हुए हैं और यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले है और यहाँ पे फैन लाइट का स्विच है, स्टॉप का, बेल का बटन है। तो ये कि मैनुअल डोर का हमारा COP है, तो इसकी वायरिंग बताऊंगा और इसको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। इसमें बटन की वायरिंग बताऊंगा और डिस्प्ले की वायरिंग बताऊंगा। कार्ड के थ्रू एक G+4 का कार्ड है, इसके थ्रू इसको ऑन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जैसे पावर ऑन करते हैं, इसको टेस्ट कर देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए जैसे किसी फ्लोर पर लिफ्ट नहीं है तो सीधे डाउन का कमांड लग गया, ये डाउन जा रहा है। तो सबसे पहले अभी मैं मैनुअली इसको हम 0 फ्लोर पे ले आते हैं। तो 0 फ्लोर का जैसा सिग्नल दिया तो 0 शो होने लगा। अभी इसमें ये एक लॉक की होता है, इस लॉक को की पहले हमने ऑन करना पड़ेगा। अभी देखो कोई बटन कमांड दे रहा नहीं लग रहा है, कोई भी देखो इनपुट दे रहा है कुछ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले एक इसके की के थ्रू इसको लॉक को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा की है इसका, ये ऑन कर लिया। अभी देखिए हम 0 पे हैं, अभी मैं 1 का कमांड देता हूँ। 1 का कमांड देते हैं, 1 का कमांड ले लिया और यहाँ दिख रहा है कि अप की तरफ जाने लगा और वहाँ अप कमांड मिल रहा है। तो अभी जैसे हम इसको फर्स्ट फ्लोर का रीड स्विच का इनपुट देंगे, लिमिट स्विच का, तो ये बंद हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर पर जाके। तो फर्स्ट फ्लोर का जैसे हम यहाँ से देते हैं कार्ड से, देखिए फर्स्ट फ्लोर का कमांड आ गया, ये चला गया फर्स्ट फ्लोर का। ऐसे सेकंड फ्लोर पे देते हैं, ऊपर जाने लगा फिर से। जैसे सेकंड कमांड आएगा बंद हो जाएगा। सेकंड से सीधे मैं डायरेक्ट ग्राउंड कर देता हूँ, नीचे आ रहा है। सबसे पहले फर्स्ट पे आएगा, नहीं रुका, ग्राउंड पे आके रुक गया। ऐसे ही आपको अभी मैंने G1 2 का किया, 3 4 5 स्टॉप बेल सबका वायरिंग वैसे ही करना है। इसका भी वायरिंग दिखा दूँगा और इसको भी दिखाता हूँ सब। अभी टेस्टिंग देख लिया, अब मैं इसको वायरिंग आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स ये इसका बैक व्यू है। सबसे पहले मैं बटन्स की वायरिंग बता देता हूँ। बटन्स में देखिए हमारे जो बटन्स है उसमें 4 वायर है, स्विच के 2 वायर हैं ब्लैक और ये ग्रे वाले, और 2 वायर पॉजिटिव नेगेटिव के हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है कि हमारा जो पॉजिटिव वाला वायर है, रेड कलर का वायर है, उसको 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट दे देना है। और स्विच के 2 वायर में से कोई एक वायर पे ये हमारा जो कार्ड है ये 0 वोल्ट से रन होता है, तो हमें 0 वोल्ट यहाँ पर हमारे स्विच के 1 वायर पर 0 वोल्ट दे देना है डायरेक्ट। मतलब कि स्विच से 0, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो 0 वोल्ट यहाँ से निकल के कार्ड में चला जाएगा। तो ये एक ब्लैक वायर को स्विच पर डाल दिया, मतलब नेगेटिव पर डाल दिया, और ये पॉजिटिव पे डाल दिया रेड। बाकी बचे 2 वायर, ये LED के नेगेटिव वाले और स्विच वाला दूसरा वायर, तो ये दोनों वायर को आपस में शॉर्ट कर लेंगे, ये दोनों वायर को आपस में शॉर्ट कर लेंगे। और ये ग्राउंड का बटन है तो ग्राउंड वाले कार्ड में, ग्राउंड वाले टर्मिनल पे अगर 1 का है तो 1 पे। तो ऐसे ही मैंने क्या किया कि ब्लैक के जितने भी वायर्स हैं सबको एक साथ करके 0 वोल्ट पे दे दिया। तो 0 वोल्ट पे देने से पहले हमने क्या किया कि ये लॉक जो है की लॉक इस पर दे दिया और इससे आउट होके दे दिया 0 वोल्ट, इसको डायरेक्ट दिया यहाँ से निकाल के, मतलब जब तक ये ऑन नहीं करेंगे 0 वोल्ट किसी को नहीं मिलेगा स्विच को, तो स्विच ऑन नहीं होगा। तो 0 वोल्ट हमने सारा ब्लैक कॉमन करके 0 वोल्ट दे दिया और जितना भी रेड था सारे का वो कॉमन करके पॉजिटिव दे दिया। और बाकी 2 2 वायर, ये 2 वायर लूप मार के ग्राउंड का, ये दोनों लूप मार के फर्स्ट पर, मतलब C0 C1 C2 ऐसे करके कनेक्ट कर दिया है। तो सिंपल ऐसा बटन का वायरिंग करना है। और कार्ड में जैसे आके हमारा बटन का कॉलिंग का इनपुट है C0 C1 C2 C3 C4, तो ऐसे कनेक्ट कर देना C0 से लेकर C4 तक। अब इसमें देखिए सिंपल है, A से G तक जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले का इनपुट है और ये यहाँ इनपुट देना है, तो ये आउटपुट निकालेगा हमारा कार्ड। तो A से G तक जितना भी कार्ड में आउटपुट निकल रहा है वो हमें डायरेक्ट इधर कनेक्ट कर देना है। अप और डाउन का अप और डाउन से कनेक्ट कर देना है। ये सारा जो हमारा आउटपुट भी देगा, ये 0 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ सब जगह 0 वोल्ट मिल रहा है,
तो कॉमन पे हमें 24 बोल्ट देना है या 12 बोल्ट देना है, जो भी हमारा कार्ड है वहाँ पे उतना दे देना है। और ये जो पॉजिटिव निगेटिव इसको देना है डायरेक्ट, ये जो हमारा वेलकम का कमांडर है उसके लिए। तभी आप समझ गए कि वायरिंग कैसे हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा डिजिटल COP है या लिफ्ट के पैनल्स है, ये सब मैं बनाता हूँ। तो अगर आपको ऐसे चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लिफ्ट रिलेटेड मटेरियल की रिक्वायरमेंट, जैसे कार्ड का, COP का, LOP का, लिफ्ट पैनल का, ड्राइव वाले पैनल या विदाउट ड्राइव कुछ लिफ्ट के पैनल, हर टाइप के पैनल बनाता हूँ, तो आपको ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो हमें ये नंबर पे कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, फ़ोन करके दिखाता हूँ एक बार, देखिए। तो इस टाइप का LOP COP की भी रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। इसका भी वायरिंग सेम ऐसा ही होगा जैसा अभी आगे मैं इसके लिए बता रहा हूँ। तो चलिए, ऐसे ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।